हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक लाइन का एक्सरसाइज नंबर 7.1। देखिए 7.1 में क्वेश्चन 1 to 10 हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको शेयर किया हुआ, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 15 सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, दिस इज लाइन, ऑल्सो फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा ऑफ अ गिवन लाइन का, ओके। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ गिवन लाइन मिल गया तो हम इजीली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है फाइंड द वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो वेक्टर और इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लाइन दिया हुआ है, उसे हम पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, उसके हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा हुआ है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है गिवन लाइन से। तो यहाँ पर देखिए लाइन हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5/3 रेस टू जेड माइनस 1। तो पहले हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, ओके। 2 अगर यहाँ पर हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 2 हमने यहाँ पर कॉमन लिया, y माइनस 5/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो 2 है हमारा वो कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 5/2/3/2, ओके। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड किया, 2/2 कैंसिल, 2/3/2 ये बच गया हमें, ओके। तो यहाँ पे z प्लस y, ओके। अभी देखिए हमें हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा हुआ डायरेक्शन रेशियो, दिस टर्म, ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, दिस इज ए, दिस इज बी, यार यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर हम 1 नहीं कंसिडर करेंगे, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब आपका डायरेक्शन रेशियो सी यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें बहुत ईजीली डायरेक्शन रेशियो मिल गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियो of the line r 2/3/2 and ये 0, यहाँ पर 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 0 होगा डायरेक्शन रेशियो, ओके। तो अभी हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। फो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा ऑफ द लाइन आर, ठीक है। देखिए अभी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिए दिस, पहले ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ओके। और फिर नेक्स्ट बी 3/2 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, नेक्स्ट 0 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ओके। देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9/4 0 3/2
फोर प्लस 9/4, 0/8 टर्म 0 हो जाता, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं हमें, 0/8 टर्म 0 हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सॉरी 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 बाई 4, 25/4 अंडर रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/2, 3/2 अपॉन 5/2, और ये क्या हो गया, 0। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4/5, ये 2 2 गेट कैंसल, 3/5 और ये 0। तो अभी हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्या हो गया, ऑफ अ लाइन, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर 4/5, 3/5 एंड 0। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू दिस लाइन, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने ये जो गिवन लाइन था उससे हमें वेक्टर इक्वेशन बनाने का, तो गिवन लाइन जब भी हमें दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है, इसके हेल्प से पहले हमने क्या किया, रेशियो फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लिया, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या है, दिस, और ठीक है। अभी डायरेक्शन रेशियो तो फाइंड हो गया, लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, पॉइंट भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या होता है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा हुआ है, यहाँ पर हमारा एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, वाई वन इज इक्वल्स टू 5/2 एंड जेड वन इज इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इससे क्या फाइंड आउट कर लिया, हमारा पॉइंट, यहाँ पे एक्स वन क्या हो जाएगा, माइनस टू, वाई वन इज 5/2 और जेड वन इज माइनस वन, और रेशियो इज, डायरेक्शन रेशियो इज दिस, ठीक है। तो अभी जब हमारे पास एक पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो है, तो अभी हम इजीली वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयरफॉर अभी हमें क्या इक्वेशन बनाना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या है हमारा, माइनस टू 5/2 एंड माइनस वन, ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो इज व्हाट, 2 3/2 एंड 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कैसे हमारा पॉइंट मिला और डायरेक्शन रेशियो मिला, ये पॉइंट माइनस टू, ये 5/2 और ये माइनस फाइव, ठीक है, रेशियो इज 2 3/2 और 0, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो अभी हम, हमारे पास फॉर्मूला है, इस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर बी हमें कैसे मिलेगा, जो डायरेक्शन रेशियो है उससे मिल जाएगा, और वेक्टर ए हमें किसे मिलेगा, जो पॉइंट दिया उससे हमें मिल जाएगा। देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टू आई प्लस 5/2 जे माइनस 1 के, ओके, प्लस लैम्बडा, और बी कैसे मिलेगा, 2i प्लस 3/2j प्लस 0k, मतलब 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्शन, देयरफॉर वेक्टर रेशियो, सॉरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 2i प्लस 5/2j माइनस के प्लस लैम्बडा 2i प्लस 3/2j। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 देखा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो अभी हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से हमें पहले डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है, फिर बाद में हमें वेक्टर इक्वेशन बनाना है, ओके। तो अभी जब इक्वेशन नंबर 11 हमने देखा, सेम वैसा ही इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6z माइनस 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तीनों टर्म को हम 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय
सिक्स, अगर हमने सिक्स से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, टू एक्स माइनस टू बाय सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस वन बाय सिक्स एंड सिक्स जेड बाय टू बाय सिक्स। अभी यहाँ पे हम टू कॉमन ले लेंगे, अगर टू हमने कॉमन लिया तो हमें x माइनस वन बच गया। यहाँ पे हम थ्री कॉमन लेंगे, अगर हमने थ्री कॉमन लिया y प्लस वन बाई थ्री हो गया, और यहाँ पर हम सिक्स कॉमन लेंगे, अगर हमने सिक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे टू बाय सिक्स हो जाएगा बाय सिक्स। ठीक है, टू थ्री ज़ा टू, थ्री टू ज़ा और सिक्स सिक्स वन ज़ा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, x माइनस वन बाय थ्री। यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसे हम माइनस वन बाई थ्री कर देते हैं, और यहाँ पर माइनस का ही साइन है तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये वन बाई थ्री हो जाएगा बाय वन। ठीक है, देखिए अभी हमें डायरेक्शन रेशियो भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो इज ऑफ अ लाइन आर, वॉट इज डायरेक्शन रेशियो, थ्री टू वन, थ्री टू वन, एंड वॉट इज अ पॉइंट, एंड पॉइंट ऑन द लाइन इज, पॉइंट क्या है हमारा, एक्स वन इज माइन, एक्स वन इज वन, वाई वन इज माइनस वन बाई थ्री और जेड इज वन बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे वन माइनस वन बाई थ्री एंड वन बाई थ्री। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया। अभी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो रेशियो है और पॉइंट पता है, तो हम क्या वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बना सकते हैं, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा वेक्टर बी। वेक्टर ए मतलब जो पॉइंट है उसे हम वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर बी मतलब हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है उसे हम पोजीशन वेक्टर बी बनाएंगे। ओके, देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जो पॉइंट है वन माइनस वन बाई थ्री जे प्लस वन बाई थ्री के, ओके, प्लस लैम्ब्डा व्हाट इज बी, पोजीशन वेक्टर बी, तो थ्री आई टू जे प्लस वन के। देयरफॉर हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, आई वन बाई थ्री जे प्लस वन बाई थ्री के प्लस लैम्ब्डा थ्री आई टू जे प्लस वन के। ठीक है, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 13। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी हैविंग द पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पोजिशन वेक्टर सी एंड डी हैविंग, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी हैविंग द पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी हैविंग द पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट सी एंड डी हैविंग द पोजिशन वेक्टर दिस एंड दिस इंटरसेक्ट। मतलब ये जो पॉइंट ए बी से जो लाइन बनता है ए बी एंड सी डी से जो लाइन बनता है सी डी, वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब वो दोनों जो लाइन है, लाइन ए बी एंड सी डी, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सपोज ए बी है, ये सी डी है, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज़ ध्यान से समझिए, रीड करिए क्या है, फिर हम उसको कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो दो पॉइंट है,
सी ए बी है, ए बी से लाइन बन रहा है, सी डी है, सी डी से लाइन बन रहा है, वो दोनों का इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस, उसका हमें पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करना है, समझ में। तो सपोज हमारा वो पोजिशन वैक्टर बी है, पी हम उसका नाम देते हैं, तो हमें ये पोजिशन वैक्टर पी फाइंड आउट करना है, ओके। वो क्या होगा, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के फॉर्म में है, वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्लीज़, तो सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी। हमने अज्यूम किया ए बी और सी डी जो इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट पी। लेट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ठीक है। ये दिया हुआ है कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, पी पे कर रहा है, ठीक है। लेट पी डिवाइड्स, अभी ए बी को पी कहाँ पे डिवाइड कर रहा है हमें पता नहीं है, हम अज्यूम करते हैं इन द रेशियो के रेस टू वन में वो डिवाइड कर रहा है, एंड सी डी को इन द रेशियो लैम्डा रेस टू वन में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे के या फिर लैम्डा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, उससे क्या पता चल जाएगा, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा कि वो किसी का तो मिड पॉइंट है ऑफ ए बी या फिर सी डी का है, ठीक है। तो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन लैम्डा पी, अभी देखिए हमने वेक्टर में देखा था इंटरसेक्शन सेक्शन फॉर्मूला, अभी दो लाइन है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पी इन रेशियो व्हाट, यहाँ पे लैम्डा रेस टू वन या फिर के रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या है फॉर्मूला, के पोजिशन वेक्टर बी प्लस वन के रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है ए और बी को, ठीक है, वन पोजिशन वेक्टर ए अपॉन के प्लस वन, एंड सी डी को इन रेशियो लैम्डा एन वन में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा पोजिशन वेक्टर डी प्लस वन इंटू पोजिशन वेक्टर सी बाय लैम्डा प्लस वन, ठीक है। हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया है वेक्टर में, हमने देखा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना है, लैम्डा और के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर द सम रियल वैल्यू ऑफ के एंड वी मस्ट हैव टू, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों, अभी हमें क्या करना है, टू फाइंड के एन लैम्डा, कोई रियल वैल्यू होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या है हमें पता नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, पी इज इक्वल टू दिस, पी इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, के पोजिशन वेक्टर बी प्लस पोजिशन वेक्टर ए के प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा पोजिशन वेक्टर डी प्लस सी लैम्डा प्लस वन। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। अभी देखिए यहाँ पर हमें पोजिशन वेक्टर बी पोजिशन वेक्टर ए दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर हमारा पोजिशन वेक्टर इज दिस, ए इज दिस, पोजिशन वेक्टर इज दिस, बी इज दिस, ठीक है। तो सी इज दिस, डी इज दिस, ओके। तो अभी हम ये सब यूज़ करते हैं, सी के जगह पे सी का वैल्यू रखते हैं, ए के जगह पे ए का वैल्यू रखते हैं, बी का वैल्यू क्या है, पोजिशन वेक्टर बी माइनस फोर सी प्लस ए क्या है, सिक्स वेक्टर ए माइनस फोर वेक्टर बी प्लस फोर सी, ठीक है, अपॉन के प्लस वन इज इक्वल्स टू लैम्डा, व्हाट इज डी, डी क्या है, सी डी वेक्टर ए प्लस टू बी माइनस फाइव सी, और पोजिशन वेक्टर सी क्या है हमारे पास, माइनस वेक्टर ए माइनस टू बी माइनस थ्री सी, ठीक है, बाय लैम्डा प्लस वन। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या चाहिए, लैम्डा या फिर के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अभी हम क्या करते हैं, सी को कॉमन लेते हैं, ए बी सी को कॉमन करते हैं,
ओके तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सी के पास सी के साथ जाएगा, ए और ए के पास एक एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं सी सिक्स वेक्टर पोजिशन ए बाय के प्लस वन लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस फोर प्लस माइनस फोर पोजिशन वेक्टर बी बाय के प्लस वन लिख सकते हैं, और दिस एंड दिस ये दोनों के पास हम क्या कॉमन ले गए, के सी सी पोजिशन वेक्टर सी कॉमन ले गए, तो हमें क्या बन जाएगा माइनस फोर के यहाँ पे प्लस फोर पोजिशन वेक्टर सी हमने कॉमन लिया बाय के प्लस वन, ठीक है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, पोजिशन वेक्टर ए पोजिशन वेक्टर बी पोजिशन वेक्टर सी को कॉमन करेंगे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे लैम्डा बच जाएगा और यहाँ पे माइनस वन बच जाएगा। यहाँ पर बी के साथ क्या है टू टू लैम्डा और यहाँ पे माइनस टू, तो प्लस टू लैम्डा माइनस टू पोजिशन वेक्टर बी बाय लैम्डा प्लस वन, और यहाँ पर देखिए इसके साथ ये लैम्डा इसके पास जाएगा प्लस माइनस फाइव लैम्डा माइनस थ्री पोजिशन वेक्टर सी बाय लैम्डा प्लस वन, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं पोजिशन वेक्टर ए को ए के साथ कंपेयर करते हैं, बी को बी के साथ कंपेयर करते हैं, सी को सी के साथ कंपेयर करते हैं, ओके। तो अभी क्या मिल जाएगा हमें कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर पोजिशन ए बी एंड सी, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा ए को ए के साथ कंपेयर करेंगे तो सिक्स के प्लस वन अपॉन सॉरी इक्वल टू लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा प्लस वन, ये हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी हम बी को बी के साथ कंपेयर करेंगे माइनस फोर के प्लस वन इज इक्वल्स टू टू लैम्डा टू बाय लैम्डा प्लस वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू हो गया। अभी हम सी को सी के साथ कंपेयर करेंगे तो माइनस फोर के प्लस फोर बाय के प्लस वन इज इक्वल्स टू वॉट माइनस फाइव लैम्डा माइनस थ्री बाय लैम्डा प्लस वन, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ओके। तो देखिए अभी हम हमें क्या करना है के और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अभी ये फर्स्ट को देखिए ये मैंने इसके पास दे दिया तो हम क्या बचाएगा वन बाय के प्लस वन इज इक्वल्स टू वॉट वन बाय सिक्स लैम्डा माइनस वन लैम्डा प्लस वन, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। एंड फ्रॉम सेम ऐसा ही एक और इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर मैंने इक्वेशन सेकंड को दिया देखो सेम अभी मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने माइनस फोर यहाँ पे दिया तो वन बाई के प्लस वन इज इक्वल्स टू वॉट माइनस वन बाई फोर टू लैम्डा माइनस टू बाय लैम्डा प्लस वन, ठीक है। इसका मतलब दिस एंड दिस इसको हम अगर हमने कंपेयर किया दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों सेम वैल्यू वन अपॉन के प्लस वन वन बाई के प्लस वन, मतलब ये दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो हम वन बाय सिक्स लैम्बडा माइनस वन लैम्बडा प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई फोर टू लैम्बडा माइनस टू अपॉन लैम्बडा प्लस वन, ओके। अभी अगर हम देखेंगे ये लैम्बडा प्लस वन गेट कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, जो टर्म बचा हुआ वो लिख देते हैं वन बाय सिक्स लैम्बडा माइनस वन माइनस वन बाई फोर, अगर हमने माइनस टू कॉमन लिया सॉरी टू कॉमन लिया यहाँ पे लैम्बडा माइनस वन बच जाएगा, ओके। तो टू टू जा ओके, यहाँ पर देखिए लैम्बडा माइनस वन बाय सिक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस वन बाय माइनस टू,
ओके तो अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके पास चला जाएगा माइनस टू लैमड़ा माइन प्लस टू इज इक्वल्स टू सिक्स लैमड़ा माइनस सिक्स। तो देयर फोर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, एट इज इक्वल्स टू एट लैमड़ा, देयर फोर लैमड़ा इज इक्वल्स टू वॉट वन। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि हमें क्या मिल गया, लैमड़ा का वैल्यू क्या मिल गया, वन। तो हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करने का था या फिर लैमड़ा का वैल्यू फाइंड आउट करने का था, ठीक है। तो लैमड़ा हमारा क्या था, अगर हम स्टार्टिंग में आएंगे तो हमने लैम्डा को क्या अज्यूम किया था, वो हमारा रेशियो था। रेशियो था किसका, रेशियो था यहाँ पर देखिए सी डी का रेशियो था। तो हमें लैम्डा क्या मिल गया, वन, मतलब रेशियो क्या आ गया, वन रेस टू वन। तो अभी किसी भी लाइन को वन रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये देखिए सी और डी को हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, वन रेस टू वन, मतलब वन रेस टू वन मतलब सी डी का ये मिड वैल्यू हो गया, मिड पॉइंट हो गया, पी क्या हो गया, सी डी का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वन हमने निकाल लिया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इसका मतलब पी क्या है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ सी डी है। तो अभी पता है मिड पॉइंट फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं, पोजिशन वेक्टर पी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पोजिशन वेक्टर सी प्लस पोजिशन वेक्टर डी बाई टू, ये हमारा फार्मूला है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो अभी हम सी के जगह पे वेक्टर सी पुट करेंगे, डी के जगह पे वेक्टर सी डी पुट करेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, पोजिशन वेक्टर डी क्या है, माइनस ए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखिएगा टू बी माइनस थ्री सी, और पोजिशन वेक्टर डी क्या है, वेक्टर ए प्लस टू बी माइनस फाइव सी बाय टू। तो ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस ए माइनस टू बी थ्री सी प्लस ए प्लस टू बी माइनस फाइव। तो देखिए ये ए कैंसिल, टू बी बी कैंसिल, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस एट, ठीक है। तो हमें देखिए क्या मिला है, माइनस एट वेक्टर सी बाय टू, ठीक है, मतलब वेक्टर पी हमें क्या मिल रहा है, माइनस फोर सी। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे आप जाके, तो ये पोजिशन वेक्टर बी का वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा पोजिशन वेक्टर सी हो गया, ओके। हैंस अभी देखिए हमारा जो पी है, पी इज इक्वल्स टू व्हाट, पोजिशन वेक्टर बी, इसका मतलब क्या हुआ, जो ए बी एंड सी डी का इंटरसेक्शन एट कहाँ पर हो रहा है, पॉइंट बी पर हो रहा है, ठीक है। इट मींस जो मिड पॉइंट हमने जो पी इंटरसेक्शन पॉइंट किया था, पी वो ए बी के कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट बी, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, ठीक है। तो हमें इंटरसेक्शन मिल गया, पॉइंट बी है वो, और पॉइंट बी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या, इंटरसेक्शन पोजिशन वेक्टर क्या है, इज दिस, ठीक है। देयरफॉर पोजिशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना था, पोजिशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने देखा कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पी हमने फाइंड आउट किया क्या है, माइनस फोर सी, ठीक है, जो हमारा पॉइंट बी भी है, ठीक है। तो हमें पोजिशन वेक्टर चाहिए था, तो ये हमें मिल गया, ये हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, इंटरसेक्ट एट अ बी कर रहा है वो। देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सॉरी माइनस फोर सी, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा,
हमें क्या चाहिए था, जो पॉइंट ए बी से जो लाइन बन रहा है और पॉइंट सी डी से जो लाइन बन रहा है, वो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो हमने पहले इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, पॉइंट पी पे कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है वो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, -4c। और हमने देखा था कि -4c क्या है, पॉइंट बी है, मतलब पोजीशन वेक्टर बी है। मतलब इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी डी का इंटरसेक्शन एट अ बी पे हो रहा है, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ओके। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। अभी देखिए, हमने नॉन कोप्लेनर हमने जब वेक्टर देखा था तो वहाँ पर देखा था नॉन कोप्लेनर, हमें बताना है कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तीन इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और अगर वो तीनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, दो इक्वेशन से हम दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो थर्ड वेरिएबल थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे और वो अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो कोप्लेनर है, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। तो क्या करना है, मैंने बोल तो दिया लेकिन अब देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन ये दिया हुआ है, एक ये लाइन ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो डायरेक्शन है। देखिए, ये जब हम देखते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा बी, वेयर ए इज़ वॉट, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, और बी वेक्टर बी इज़ वॉट, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। मतलब ये हमारा डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो लाइन दिया हमें, एक डायरेक्शन इज़ दिस, सेकेंड डायरेक्शन इज़ दिस। तो यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये दोनों लाइन वो क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं, दे आर नॉट अ पैरेलल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम बताते हैं ये परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल नहीं है, ओके। तो फिर देखिए, स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर, हमारे पास दो लाइन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या क्या लाइन है हमारे पास, फर्स्ट इज दिस, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं, म्यू, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर लाइन वन इज डायरेक्शन इज व्हाट, दिस, लाइन टू इज डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। लाइन वन इज इन द डायरेक्शन व्हाट, लाइन वन का डायरेक्शन क्या है, 3 वेक्टर ए, 16 वेक्टर बी प्लस 7 सी, और लाइन टू का डायरेक्शन इज व्हाट, इज दिस, लाइन सेकंड इज इन द डायरेक्शन 3a प्लस 8b माइनस 5c, ठीक है। लाइन वन इस डायरेक्शन में है और बी ये डायरेक्शन में है, इट मीन्स द टू लाइन आर नॉट पैरेलल, इट मीन्स द लाइन आर नॉट पैरेलल, ठीक है। अब अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने दिखा दिया ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। अभी हम दोनों लाइन के हेल्प से डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अभी फर्स्ट लाइन क्या है, फ्रॉम लाइन फर्स्ट, लाइन वन क्या है, देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 लैम्ब्डा 3a 16b प्लस 7c। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और पोजिशन वेक्टर ए बी सी को कॉमन करते हैं, ये
क्या मिल जाएगा, 8a 9b 10c, क्या 3 वेक्टर a लैम्बडा 16b लैम्बडा 7c लैम्बडा। अभी a टर्म को a के साथ लेते हैं और कॉमन लेते हैं, तो a कॉमन लिया 8 प्लस 3 लैम्बडा, यहाँ पे हमने b को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, -9, या फिर हम माइनस कॉमन लेते हैं, इसके पास भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस से प्लस ही रखते हैं, हमें आगे कैलकुलेशन के लिए हेल्प करेगा, प्लस -9 -16 लैम्डा पोजीशन वेक्टर बी, प्लस 10 प्लस 7 लैम्बडा वेक्टर सी। ठीक है, फ्रॉम सेम ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से भी हम सेम ऐसे ही हम ट्राई करते हैं बनाने के लिए, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 15a 3a μ, यहाँ पर a अगर हमने कॉमन लिया तो 15 प्लस 3 μ दिस, प्लस 29 प्लस 8 μ b, प्लस 5 -5 μ c। ठीक है, ये फ्रॉम हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाया। अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट इफ देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, लाइन 1 और 2 वो इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस फ्रॉम दिस एंड दिस, अभी हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे। ओके, यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, दिस एंड दिस, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको और इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, लाइन मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, लाइन्स 1 एंड 2 इंटरसेक्ट इफ देयर एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो, अभी हम पहले क्या करेंगे, ये दो जो इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर पोजीशन ए को वेक्टर पोजीशन ए के साथ कंपेयर करेंगे, बी को बी के साथ कंपेयर करेंगे, और सी को सी के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 8 प्लस 3 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 μ। ओके, अभी यहाँ पे आप इसको इसके साथ कंपेयर करोगे, -9 -16 λ = 29 + 8 μ, और 10 + 7 λ = 5 - 5 μ। ठीक है, अभी देखो ये हमने 3 इक्वेशन बनाया, अभी ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 3λ - 3μ = ये यहाँ पे जाएगा, ये 7 हो गया, इसे हम इक्वेशन नंबर, वहाँ पे ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेकंड यूज़ किया, तो यहाँ पे हम थर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, ये म्यू यहाँ पर जाएगा या फिर ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये हम 16λ - 8μ, ये यहाँ पर आएगा, माइनस हो जाएगा, -8 38। ओके,
ये इक्वेशन नंबर 4 कर लिया हमने, और ये हमें क्या मिल जाएगा, 7 लैम्डा प्लस 5 म्यू, और ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस 5। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अभी देखिए हमें क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन लेना है, उसे हम म्यू और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो कोप्लेनर हो जाएगा, और अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा, या फिर आप इसे बाय क्रामर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने क्रामर्स रूल की हेल्प से सॉल्व किया और अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, और हमने वेक्टर के टॉपिक में भी देखा हुआ था। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने तीन इक्वेशन बना लिया, अभी हमें क्या करना है, ये तीनों इक्वेशन में से किसी भी दो इक्वेशन को हम लेंगे और इसे लैम्डा और म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ रहा है उसे किसी भी जो बचा हुआ थर्ड इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब सपोज़ यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट किया, म्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया, अगर हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया दिस इज इक्वल्स टू -38 आ गया तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो कोप्लेनर होगा। अगर नॉन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं, अगर हम इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ के हेल्प से अगर सॉल्व करते हैं, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, लैम्डा और म्यू मिल जाएगा, उसका वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4th में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, अभी देखिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड में मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 लैम्डा 15 म्यू 35। ठीक है, और फिफ्थ में मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 लैम्डा 15 म्यू -15। ओके, यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों का साइन डिफरेंट है, तो ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 36, और ये कितना मिल जाएगा हमें 0 20। तो यहाँ पे लैम्डा देखे क्या मिल गया, 20/36 10। तो हिट सा, ठीक है, 2 5 2। ओके, तो हमें क्या मिल गया, 5/9। अभी हमें म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ जो लैम्डा का वैल्यू है, इक्वेशन नंबर हम थर्ड में पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 5/9 3 म्यू इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हमें 3 3 5/3 5/3 वहाँ पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, 21 -5/3, तो ये माइनस ये क्या मिल जाएगा, 16/3। देयरफॉर म्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -16, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, -9/16/9 मिल गया। ओके, अभी हम क्या करते हैं, म्यू और लैम्ब्रा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4th में पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई करता है या नहीं। पुट लैम्डा का वैल्यू कितना मिला, 5/9, एंड म्यू का वैल्यू क्या मिल गया, 16/9 इन इक्वेशन नंबर 4th में। अगर वो सेटिस्फाई करता होगा, इक्वेशन नंबर 4 क्या है देख लीजिए, अगर इसमें हमने म्यू लैम्डा डाला तो हमें -38 आना चाहिए। तो देखिए 16 5/9 -8 इंटू 16/9। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, 18/9 प्लस
नहीं, ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, तो इसे हम ऐड करके डिवाइड बाय 9 कर देंगे। ओके तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये नॉट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, मतलब द इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, देयरफॉर दिस नॉट अ कोप्लेनर, देयरफॉर द गिवन लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है। अगर ये इक्वल्स होता तो वो कोप्लेनर हो जाता, अब ये इक्वल नहीं है मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब वो नॉन कोप्लेनर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 15। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, फर्स्ट लाइन दिस, सेकेंड लाइन इज दिस, फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें हमारे पास पॉइंट, वन पॉइंट इज गिवन एंड पैरेलल लाइन इज गिवन, ठीक है, तो अगर है तो हम वेक्टर इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ऑनर और परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है और टू परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, ये जो लाइन दिए हुए हैं उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक जो एक इक्वेशन है ये हमें पॉइंट से मिलता है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो से मिलता है, ये हमारा पॉइंट से मिलता है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो से मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पैरेलल लाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर मिलता है, पोजीशन वेक्टर मिलता है, दिस और दिस, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा, जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, वो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट हम इस अज्यूम करते हैं ये हमारा पोजीशन वेक्टर पी हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्यू हो गया, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसे जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा, ठीक है, वो हमारा पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। देखिए हमारे पास इक्वेशन बनाना रहता है तो हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस लैम्बडा बी चाहिए रहता है। ए इज़ वॉट, जो हमारा पॉइंट से वेक्टर पोजीशन वेक्टर बनता है वो है, ये ऑलरेडी हमारे पास है, ये पोजीशन वेक्टर बी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है वो बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, अभी अगर पैरेलल लाइन दिया होता तो वो हमारा, हम उसे बी कंसिडर करके डायरेक्टली हम इक्वेशन बना ले लेते थे, लेकिन अभी हमारे पास ये बी नहीं है, बी हमारा मिसिंग है, तो ये जो परपेंडिकुलर है उसमें जो पोजीशन पोजीशन रेशियो होता, डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से जो इक्वेशन बनता है, दिस इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, जो वेक्टर होगा वो हमारा वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ठीक है, मतलब ये गिवन लाइन पर है, वो परपेंडिकुलर है, इट इज पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा वो उसका पैरेलल हो जाएगा। ओके तो लेट यहाँ पर हमने क्या किया, इसको हमने पोजीशन वेक्टर पी अज्यूम किया, इसको हमने क्यू अज्यूम किया, पोजीशन वेक्टर क्यू लेट 2i 2j + k एंड पोजीशन वेक्टर q इज इक्वल्स टू दिस आई
2j प्लस 2k, ओके। अभी हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट, आई जे के, पी के जो एलिमेंट्स है 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 1, और क्यू के जो कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2। इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, आई -2 -2 1 2 -j 2 1 1 2 प्लस के 2 1 -2 -2, ठीक है। हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, आई -4 + 2 4 -1 -4 + 2। तो देखिए हमें क्या मिल गया, -2i + -3j और ये -2k, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये क्या मिल गया, पोजीशन, ये पैरेलल लाइन मिल गया है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। दिस इज व्हाट, लैम्डा बी, व्हाट इज लैम्डा ए, सॉरी वेक्टर बी इज दिस। वेक्टर ए क्या मिलेगा हमें, जो गिवन पॉइंट है, ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, इसे हम वेक्टर ए फाइंड आउट कर लेंगे, 3i - j + 2k। तो ये हमारा देयरफॉर वेक्टर आर इज इक्वल्स टू 3i - j 2k प्लस लैम्डा बी, क्या है हमारा, दिस इज वेक्टर बी 2i - 3j - 2k, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 का आज जो वीडियो बनाया है उसमें हमने क्वेश्चन 11 to 15 देखा। उसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 11 to 10 अलग वीडियो में देखा है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है आपको, ओके। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजिली अदर एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एनी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, एज़ पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वो अपलोड कर सकता हूँ, ओके स्टूडेंट्स। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैंने ये चैनल में ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज के मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपलोड कर सकूँ, पेपर 1 पेपर 2 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के एक्सरसाइज को मैं अपलोड कर सकूँ। तो और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरा चैनल आपके फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करिए, ओके, थैंक यू।